हेलो स्टूडेंट्स, आई होप लास्ट वीडियो जो मैंने कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स पे बनाया था वो आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन के बारे में। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय और व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन रिफर्स टू एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा पॉइंट है जो कि ये शो करता है कि इकोनॉमी के कैपिटल स्टॉक में कितना एडिशन हुआ है। यह कैपिटल फॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो ये शो करता है कि हमारी इकोनॉमी में कैपिटल स्टॉक में कितना एडिशन हुआ है। कैपिटल स्टॉक मींस जो भी चीज़ें हमने यूटिलाइज की हैं किसी भी, या जो भी चीज़ें हमने इंगेज की हैं किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जांपल, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी, एडिशन टू इन्वेस्टमेंट। सपोज लास्ट ईयर जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे थे उस कंस्ट्रक्शन में अगर हमने कोई कंस्ट्रक्शन बढ़ाया है तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट। और जो प्रोडक्शन यूनिट हमारी चल रही है उस प्रोडक्शन यूनिट में अगर हमने कोई मशीन, नई मशीन इंस्टॉल की है तो परचेज ऑफ मशीनरी, एक नया इन्वॉल्वमेंट हुआ है। देन लास्ट, एडिशन टू द इन्वेस्टमेंट, जितना पैसा हमने किसी चीज़ के प्रोडक्शन में लगाया है। सपोज 1,00,000 करोड़ हमने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया है और उसमें अगर हमने इन्वेस्टमेंट और बढ़ा दिया तो ये जो, या ये कह सकते हैं टोटल, अगर ये मान के चले कि जो 1,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, दिस expenses is known as investment or capital formation because this money creates more money for an economy. इसी money को हम utilize करते हैं ज़्यादा पैसे generate करने के लिए। Next point आता है हमारा gross investment. Gross investment means the total addition made to the capital stock of an economy. Total addition, gross investment means total addition किसमें? कैपिटल स्टॉक में, जो कि इकॉनमी में एक पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम में किया गया है। एक पर्टिकुलर टाइम में जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया है वो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और नेट इन्वेस्टमेंट एक्चुअल एडिशन होता है, एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकॉनमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं ऐसा एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, एक फ़्लो चार्ट बना करके आपको समझाना चाहता हूँ। इस फ्लो चार्ट को ध्यान से देखिएगा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे हम लेते हैं ग्रॉस और यहाँ पे हम लिखते हैं नेट। आई होप सभी को दिख रहा होगा ग्रॉस और नेट। ग्रॉस का मतलब क्या हो गया? परचेज वैल्यू। ग्रॉस का मतलब क्या हो गया? परचेज वैल्यू। एंड नेट का मतलब क्या हो गया? एक्चुअल वैल्यू। अब इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक एजम्पशन लेते हैं। सपोज अभी जिस मोबाइल फोन में आप इस वीडियो को देख रहे हैं, याद करिए उस मोबाइल फोन को आपने कब परचेज किया था और कितने का परचेज किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जो मोबाइल फ़ोन यूटिलाइज़ कर रहे हैं उस मोबाइल फ़ोन को आपने 2 साल पहले परचेज़ किया था और उस मोबाइल की वैल्यू थी 15,000 रुपीज़। उस मोबाइल की वैल्यू कितनी थी? 15,000 रुपीज़। तो वो कब परचेज़ किया था? बिफोर 2 ईयर, 2 साल पहले आपने परचेज़ किया था, तो 15,000 की वैल्यू थी। मतलब 2 साल बाद आज मैंने पूछा आपसे कि वो मोबाइल कितने की, तो आपने कितना बताया? 15,000। मीन्स द परचेज वैल्यू इज़ 15,000, ग्रॉस वैल्यू इज़ 15,000। अब आज 2 साल बाद उस मोबाइल को अगर आप मार्केट में सेल करें तो वो मोबाइल फ़ोन कितने का मार्केट में सेल होगा?
आई होप जो भी सेल हो, मेरे ख्याल से ये मान के चलते हैं 7,000 कि आज की डेट में आफ्टर टू ईयर जब सेम मोबाइल फ़ोन जो आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं वो मार्केट में कितने का सेल हो रहा है, 7,000 का। मींस आज की डेट में उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 7,000 है कि नहीं। तो जो डिफरेंस हुआ ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे आने के लिए, ठीक है, नेट वैल्यू क्या हो गई हमारी एक्चुअल वैल्यू, और ग्रॉस वैल्यू का मतलब क्या हो गया, परचेज वैल्यू। जिस टाइम पे हमने परचेज किया था वो हो गई ग्रॉस वैल्यू, और जिस टाइम पे हमने क्या किया उसको सेल किया, आज की डेट में जब इवेल्युएट किया तो उसकी हमें नेट वैल्यू पता चल गई। तो ग्रॉस वैल्यू से आज की वैल्यू पता करने के लिए हमने क्या किया, इसके बीच का डिफरेंस निकाल लिया, और बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 8,000। दिस 8,000 इज नोन एज डेप्रिशिएशन। इसीलिए कहते हैं कि ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे आने के लिए माइनस डेप्रिशिएशन करते हैं। 15,000 माइनस 8,000 इज इक्वल टू 7,000। और इजी वे में ही ऐसे अगर आप समझ लें कि नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू पे जाने के लिए फिर क्या करेंगे, प्लस डेप्रिशिएशन। फॉर एग्जांपल 7,000 डेप्रिशिएशन कितने का लगा था, 8,000 का, 7,000 प्लस 8,000 इज इक्वल टू 15,000। इसी तरीके से बड़े ही इजी वे में आपने नेशनल इनकम का पहला फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला पढ़ लिया। फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला क्या हो गया, ग्रॉस से नेट पे आने के लिए, ग्रॉस से नेट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, डेप्रिशिएशन माइनस करते हैं, और नेट से ग्रॉस पे आने के लिए हम क्या करते हैं, डेप्रिशिएशन प्लस करते हैं। आई होप ये फ्लो चार्ट और ये बेसिक फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला नेशनल इनकम को आपको आ गया होगा। इसी तरीके से लास्ट पॉइंट को हम समझ लेते हैं, डेप्रिशिएशन कहते किसे हैं। डेप्रिशिएशन रिफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर, पासेस ऑफ टाइम, और एक्सपेक्टेड एब्सोल्यूशंस। डेप्रिशिएशन किसे कहते हैं, डेप्रिशिएशन जब हम किसी फिक्स्ड एसेट्स को या फिक्स्ड गुड्स एंड सर्विसेज को यूटिलाइज करते हैं, और उस यूटिलाइजेशन की वजह से या फिर ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम उस गुड्स की, उस कैपिटल स्टॉक की, कैपिटल गुड की वैल्यू कम होती जाती है, हम यूटिलाइज भी ना करें। सपोज हमने एक नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदा लेकिन हम उसे यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं का मतलब हमने 2 साल उसको ऐसे ही रख दिया। अब 2 साल जब बाद जब उसको हम मार्केट में सेल करने जाएंगे तो क्या उतनी ही वैल्यू का वो सेल होगा जितनी वैल्यू में हमने परचेज किया था, नहीं, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसीलिए कहा गया है ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर एक्सपेंसेस या फिर पासेज ऑफ टाइम या एक्सपेक्टेड एब्सोल्यूशंस, इसकी वजह से जो गुड्स की वैल्यू में डिडक्शन आता है, दिस डिडक्शन इज नोन एज डेप्रिशिएशन। एंड डेप्रिशिएशन इज ऑल्सो नोन एज करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, और ऑल्सो नोन एज रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, और ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट्स, और ऑल्सो नोन एज कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। तो एक चीज़ ये समझ जाइए कि आपके नेशनल इनकम में कोई ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको डेप्रिशिएशन एज इट इज़ लिखा हुआ मिले। आपके नेशनल इनकम में डेप्रिशिएशन के अलावा इन चारों नाम, जिस नाम से डेप्रिशिएशन जाना जाता है, ये चार नाम भी दिए जा सकते हैं। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट ईजिली समझ में आ गए होंगे, और आई होप आपको पहला फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया कि नेट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस से माइनस करते हैं डेप्रिशिएशन, और ग्रॉस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए नेट पे प्लस करते हैं डेप्रिशिएशन, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट। Thank you.